हे hey, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। Realme C11 इसको मैं लगभग 15 डेज तक यूज कर रहा हूँ प्राइमरी फोन के हिसाब से। अभी टाइम हो चुका है इसका फुल रिव्यू देने का, प्रोस एंड कॉन्स के साथ डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। उसके पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और बेल आइकन बजाने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और हम लोग क्वालिटी वीडियो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। इसका डिजाइन जबरदस्त है, बैक साइड की तरफ ग्लॉसी लुक दिया है। इसका जो कैमरा का पोजीशन मुझे कतई जहर लगा, और ऊपर से नीचे की तरफ जो एंटीना लाइंस आया है उससे बड़ी बात है रियलमी का जो बड़े बड़े ब्रांडिंग है यार, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे दोस्तों मैट फिनिश दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस फोन को मैं दोस्तों जब से खरीदा हूँ बैक केस के बिना ही यूज कर रहा हूँ, और इस फोन में अभी तक कोई क्रैचेस वगैरह नहीं आया है जो कि यहां पे आप देख सकते हो। और ये मैट फिनिश की वजह से पॉसिबल हुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप बैक केस भी नहीं लगाते हो तो आपके फोन में उतना ज्यादा क्रैचेस वगैरह नहीं आएगा। लेकिन और एक बात, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो पॉलीकार्बोनेट का है। खैर पॉलीकार्बोनेट मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को ग्लास बैग भी पसंद है, और इस प्राइस में ग्लास बैग देना नामुमकिन है। हैंड फील के बारे में बात करा जाए दोस्तों, इसका हैंड फील काफी अच्छा है, आपके हाथों में काफी अच्छी तरीके से फिट होगा, और उतना प्रीमियम जैसा तो नहीं लगेगा लेकिन दोस्तों जो फील देगा 8000 के हिसाब से मैं कहूंगा इसका हैंड फील काफी अच्छा है। वेट की बात करा जाए, 5000 एमएच का बैटरी है। मैंने सोचा था कि बहुत ज्यादा भारी होगा लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही हल्का फुल्का है। आप जब हाथ में लोगे इस फोन को तो आपको भी पता चलेगा इसका वेट उतना ज्यादा हेवी नहीं है। डिस्प्ले की तरफ देखोगे 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD पैनल यहां पे देखने को मिलता है। नीचे जो चेन है वो मुझे थोड़ा बहुत बड़ा लगता है। हाँ बेजल्स वगैरह सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो सैंपल देख सकते हो, 8000 के हिसाब से मैं कहूंगा ठीक ठाक है दोस्तों इसका वीडियो सैंपल। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका वीडियो सैंपल आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दिया है, HD प्लस डिस्प्ले दिया है तो उसी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल इसका डिस्प्ले मुझे ठीक ठाक लगा है, और इस फोन को मैंने आउटडोर में भी यूज किया था तो आउटडोर में भी इसका जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छा है। बहुत सारे भाई लोग कह रहा था कि इस फोन को आप आउटडोर में यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका ब्राइटनेस उतना ज्यादा हाई नहीं है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आउटडोर में, आप यहाँ पे देख लीजिए, मुझे तो ठीक ठाक लगा है। इसका ब्राइटनेस को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ठीक ठाक लगा है। अब भी चलिए दोस्तों गेमिंग की ओर। यहाँ पे दिया है मीडियाटेक का हेलियो G35 चिपसेट। इस प्रोसेसर के ऊपर मैंने बहुत पबजी खेला हूँ, इतना लैग भरा पबजी मैं आपको क्या बताऊं। हमारे गेमिंग चैनल के ऊपर इसका डिटेल पबजी गेमिंग रिव्यू है, आपको मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। उतना अच्छा पबजी एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, मैं सीधी बात बोलूं इस फोन में आप पबजी नहीं खेल पाओगे, बहुत लैग मिलेगा। अच्छा पबजी आप इस फोन में नहीं खेल पाओगे। बहुत सारे लोग पेड रिव्यू भी दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक खेल लोगे। यार डायरेक्टली बोलो ना, अच्छा खासा खेल नहीं पाओगे। मैंने खेला हूं उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं, हमारे गेमिंग चैनल में जाके इसका डिटेल गेमिंग रिव्यू जरूर देख लेना। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया, इस फोन में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। जब मैं पबजी खेल रहा था कोई भी हीटिंग इशू नहीं था। मेरे गेमिंग चैनल में जाके देख सकते हो, वहां पे हीटिंग टेस्ट भी मैंने करवाया हूं। ऐसे भी दोस्तों कैमरा के सामने आप सिर्फ गेमिंग रिव्यू देखे हो, उसके पीछे भी मैं बहुत पबजी खेला हूं उस फोन में, तो कोई भी हीटिंग इशू मुझे नहीं दिखाई दिया है। हाँ अगर आप डे टू लाइफ के लिए यूज करना चाहते हो या किसी भी सेकेंडरी फोन के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो इस फोन के पास देख सकते हो, अच्छा खासा पबजी नहीं मिलेगा लेकिन ऐप ओपनिंग वगैरह ठीक ठाक है दोस्तों। पबजी के लिए नहीं है, डे टू लाइफ के लिए सही है। बैटरी के पास देखोगे 5000 एमएच का बैटरी दिया है, और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों यहां पे 10 वाट का चार्जर दिया है आउट ऑफ बॉक्स, कोई फास्ट चार्जर नहीं दिया है। ऐसे भी दोस्तों इस प्राइस के आसपास कोई भी ब्रांड फास्ट चार्जर ऑफर नहीं करता है। खैर दोस्तों इस फोन को मैंने फुल चार्ज करवाया था और लगभग मुझे टाइम लगा था 3 घंटे के आसपास, तो आपको 3 घंटे तक वेट करना पड़ेगा अगर आप इस फोन को फुल चार्ज करने जाओगे 0% से 100% तक। लेकिन दोस्तों इसका बैटरी डेंस सही है दोस्तों, अगर आप लगातार पबजी खेलोगे तो आपको 7 से 8 घंटा तक दे देगा। ऐसे भी पबजी तो आप खेल नहीं पाओगे, अगर आप डे टू लाइफ यूज करोगे तो आपको 2 दिन आराम से जाएगा।
जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। मेरे यूनिट में दो दिन आराम से जाता है। मैंने जैसे कि बोला सेकेंडरी फोन के हिसाब से इतने दिन तक मैं यूज कर रहा था तो काफी अच्छा चला। इस फोन में एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलता है। मैं हर वीडियो में यार रियलमी को रिक्वेस्ट करता हूँ यार एलईडी नोटिफिकेशन लाइट दिया करो। अगर रियलमी का किसी भी बंदा ये वीडियो देख रहा है तो यार एलईडी नोटिफिकेशन लाइट दिया करो, बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोन से मैंने बहुत ज्यादा कॉल किया बहुत सारे लोगों को, तो इसका कॉल क्वालिटी ठीक ठाक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं देगा। मैं जिससे बात कर रहा था मेरा आवाज उसको काफी अच्छी तरीके से सुनाई दिया था और उसका आवाज भी मुझे काफी अच्छी तरीके से सुनाई दिया था, कोई भी तकलीफ नहीं था। और इसका जो नेटवर्क है वो भी काफी फुल रहता है, तो इसका नेटवर्क को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस फोन का एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है। यार देना चाहिए था, 8000 के आसपास आप किसी भी स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हो और उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। 2020 खत्म होने को आ रहा है दोस्तों, कम से कम फिंगरप्रिंट सेंसर तो दे देते, और ये मुझे बहुत माइनस पॉइंट लगा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फेस अनलॉक भी मिलता है और जिसके जरिए आप फोन ओपन भी जल्दी जल्दी कर पाओगे, तो कोई भी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था। साउंड के पास देखोगे इसका साउंड ठीक ठाक है दोस्तों, मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप माइक से सुनोगे उतना अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग सुना देते हैं तो मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताता हूं, आप सुनिए इसका साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है दोस्तों, उतना अच्छा भी नहीं है और उतना बुरा भी नहीं है, मीडियम है, आपका काम चल जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और उतना ज्यादा तो नहीं है कि आप मोहल्ले को सुनाओगे, ठीक ठाक है साउंड क्वालिटी, आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। अभी चलिए दोस्तों कैमरा के ओर। इस कैमरा सैंपल को आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको डे लाइट में खींचा था और इसका क्लियरिटी वगैरह देख सकते हो। मैं इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस भी कम है, तो उसके हिसाब से दोस्तों हम लोगों को देखना पड़ेगा इसका पिक्चर क्वालिटी। ये पिक्चर आप देख सकते हो दोस्तों, डे लाइट में खींचा हूं, नॉर्मल मोड में देख लीजिए इसका क्वालिटी कैसा है, मुझे ठीक ठाक लगा है दोस्तों। और इस पिक्चर को दोस्तों मुझे लगता है थोड़ा बहुत वॉश आउट कर दिया है, थोड़ा ज्यादा व्हाइट करके दे दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का जरूरत है रियलमी को, मैं हर बार कहता हूं। इस पिक्चर को देखिए, नेचुरल पिक्चर क्लिक किया है और मुझे काफी अच्छा लगा है दोस्तों इसका पिक्चर क्वालिटी। दोस्तों जो फ्लावर का कलर है नेचुरल कलर है, जो कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पिक्चर आप देखिए दोस्तों, ये भी नेचुरल पिक्चर क्लिक किया है। 8000 के हिसाब से ठीक ठाक है, मैं आपको जूम भी करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर आप जूम करोगे तो पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा। 8000 के हिसाब से ठीक ठाक है, ये सारे पिक्चर क्वालिटी आप यहां पे देख लीजिए। सेल्फी कैमरे के पास देखोगे दोस्तों, इसका सेल्फी भी ठीक ठाक है। पहले पहले रियलमी हर पिक्चर में जो फेस है वो ब्यूटी कर देता था, लेकिन दोस्तों अभी उतना ज्यादा ब्यूटी नहीं करता है, तो रियलमी कैमरा के ऊपर काम किया है जो कि मुझे अच्छा लगा। ये प्रोडक्ट सैंपल आप यहां पे देख लीजिए, एज डिटेक्शन वगैरह देखिए काफी अच्छा है दोस्तों, मस्त है इसका एज डिटेक्शन वगैरह, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये पिक्चर आप देख सकते हो, बैकग्राउंड को काफी अच्छी तरीके से ब्लर किया है दोस्तों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पिक्चर में थोड़ा बहुत ब्राइट कर दिया है। खैर दोस्तों एक दो पिक्चर को छोड़ के काफी अच्छा पिक्चर क्लिक करता है, ये पिक्चर आप देख सकते हो काफी अच्छा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये सारे पिक्चर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और हाँ एक बात मैंने बोलना भूल गया था दोस्तों, इसका जो ऑडियो क्वालिटी मैंने हेडफोन से भी सुना हूं काफी अच्छा है, तो हेडफोन में भी काफी अच्छी तरीके से सुनाई देता है। 3.5 mm जैक है, काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट होता है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का हेडफोन यूज करोगे तो आपको पता चलेगा, वरना बाजार में 200-100 रुपए का हेडफोन लगाओगे तो कैसे चलेगा। अभी मैं आपको बताऊं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, फोन ठीक ठाक है दोस्तों। अगर आप गेमिंग के लिए ये फोन लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपके लिए ये फोन नहीं है। अगर आप डे टू लाइफ यूज करना चाहते हो, पहली बार किसी भी स्मार्टफोन ले रहे हो, या आप सेकेंडरी किसी भी फोन यूज करना चाहते हो, तो इस फोन की तरफ देख सकते हो। गेमिंग के लिए नहीं है, नॉर्मल यूजेस के लिए सही है। और जो सारे प्रॉब्लम वगैरह था मैं आपको बता दिया हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।